बच्चों को जिम्मेदार बनाओ, रिस्पॉन्सिबल बनाओ, इसके बारे में बातचीत करने वाला हूँ। बच्चों को जिम्मेदार बनाने में बहुत ताकत लगती है, टाइम लगता है, मगर एक बार वो जिम्मेदार बन गए तो माँ बाप फ्री हो जाएंगे, स्पेशली माँ फ्री हो जाएगी। होता क्या है कि माँ जो है वो अपने बच्चे के पीछे लग लग के काम करवा के लेती है। जैसा उठो उठो उठो, सुबह 8 बजे स्कूल है तो उठो उठो उठो, जो पीछे लगेंगे 7 बजे से उसके तो बड़े मुश्किल से उठेगा, फिर अभी ब्रश करो ब्रश करो ब्रश करो, फिर दूध लो, फिर स्नान करो, बैग लो, चलो अभी ऑटो आ रहा है, गाड़ी आ रही है, स्कूल की बस आ रही है, चलो बैठो, ऐसा पीछे लग लग के उसको बस में बिठाना पड़ता है या ऑटो में बिठाना पड़ता है। और उसको लगता है माँ को कि मैंने ऐसा नहीं किया तो शायद उसकी स्कूल डूब जाएगी, वो जाएगा ही नहीं, उठेगा भी नहीं। आने के बाद में उसको पीछे लगना पड़ता है, भाई स्कूल का जो यूनिफॉर्म है वो बदलो, खाना खाओ, खाना खाओ, तो खाना खाता नहीं, बोलता मेरे को भूख नहीं है, उसके पीछे लगते हैं, पीछे लग लग के थोड़ा बहुत खाना खाएगा और बाद में खेलने जाएगा, बाद में आएगा टीवी देखेगा, मोबाइल पे खेलेगा, मतलब ये सब काम करेगा, उसके पीछे लगना पड़ता है कि भाई पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, फिर थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे फिर खेलने चले जाए, फिर पीछे लगो। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि एक वो बच्चों को हैबिट सी हो गई, अभी उसको लगता है कि भाई मतलब कोई पीछे लगे बिना वो काम करता ही नहीं, जब तक माँ उसके पीछे लगती नहीं है कर 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 पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, तो वो पढ़ाई करेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी आदत सी हो गई। आदत लगाई किसने? आपने लगाई। कैसी आदत लगाई? उसको बोला पढ़ाई कर, उसने पढ़ाई नहीं किया, फिर आपने बोला ना पढ़ाई कर, तेरे को बोला ना पढ़ाई कर करके, बोलता हाँ करता हूँ ना, फिर पढ़ाई नहीं किया, खेल ही रहा है, फिर तीसरे बार उसको बोला अरे तेरे को चिल्ला के बोला, तेरे को बोला ना पढ़ाई कर करके, अभी होमवर्क बाकी है, करना चाहिए, कितना खेलता है तू, ऐसा वैसा, उसको पीछे लग, बोलता हाँ मम्मी करता ना, हाँ डैडी करता ना पढ़ाई, फिर तभी भी पढ़ाई नहीं किया, फिर अभी टीवी देख रहा है, फिर चौथे बार बोलते कि अभी तू पढ़ाई नहीं करेगा ना मारेंगे अभी कस के, और जोर से चिल्लाते और, तो फिर वो डर के उठेगा और पढ़ाई करेगा। अभी इसमें हुआ क्या? इसमें ये हुआ कि उसको चौथी बार आपने जब बोला उठो और करो, तब उसने पढ़ाई किया, तो उसको हैबिट सी हो गई कि तीन तीन चार चार बार बोलने बिना वो काम ही नहीं करता। आपने पहले जब उसको बोला कि उठ पढ़ाई कर, तो यही समय वो उठा क्यों नहीं, वो देखना पड़ेगा, वो क्यों नहीं उठा पहले, इसमें सुना ही नहीं आया उसको, वो महत्व देता नहीं आपके शब्दों को, वो मानता नहीं आपको, क्यों नहीं ऐसा किया उसने? एक बात वो हो गई, और दूसरी बात पढ़ाई कर ऐसा उसको बोलना ही क्यों पड़ता है? कोई जरूरत नहीं ना उसको पढ़ाई क्यों करे बोलना पड़ता है? पढ़ाई कर ये बोलना, ये वेस्ट है, ये ऐसा पढ़ाई कर नहीं तो मारेंगे ठोकेंगे ऐसा बोलना, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, एक्चुअली वो एक्सटर्नल एवर्शन है, नॉट मोटिवेशन, इसे ना एक्सटर्नल एवर्शन कि डर से मारे फिर पढ़ाई करेगा, एक्सटर्नल है मगर, तो उसको पढ़ाई क्यों कर, क्या संभव है? पढ़ाई करेंगे तो क्या पॉसिबल है? पढ़ाई करने से क्या होगा? टॉप पे आएंगे, अच्छा ठीक है, डिग्री मिलेंगी, अच्छा और क्या है, क्या संभव होगा? एप्रिसिएशन होगा, एक्नॉलेजमेंट होगा, अच्छे मार्क मिलेंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर हायर स्टडीज में जा सकेंगे, फिर हायर स्टडीज में जाके फिर वो बन सकता है, उसको जो भी बनना है वो कुछ भी कर सकता है, वो प्रॉब्लम क्या है? मगर हम वो नहीं बोलते, हम सर बोलते पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई, और पढ़ाई करता नहीं। तो ये आपको देखना है कि उसको पढ़ाई क्यों करे बोलने का है। स्नान कर स्नान कर स्नान कर पीछे लगना पड़ेगा, फिर स्नान क्यों कर, तो हर बात का जब आप उसको क्यों करके उसको पूछते हैं, क्यों करके उसको बताते हैं, तो वो कैसा करना, कब करना, किस तरह से करना, वो ढूंढ के निकालेगा। दूसरा महत्व का है रिस्पॉन्सिबल उनको बनाने में, क्योंकि उसको समझना चाहिए ना कि वो करना है करके। समझो आप नहीं उसको बताते, नहीं पीछे लगते स्नान करने के, नहीं स्नान करता है तो क्या होगा? कुछ नहीं होता उसको, तो आपको समझाना पड़ेगा स्नान क्यों करना है, उसकी क्या जरूरत है, स्नान करने से क्या संभव होगा, स्नान करने से क्या फायदा होगा, ये उसको समझाएंगे रादर देन स्नान कर, तो वो स्नान करेगा। तो बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने में क्यों ये भी होना है, आदत लगाने की नहीं, बार बार बोलने की। और नंबर तीन इसमें कि भाई वो जिम्मेवारी उसको, मतलब उसको लगना चाहिए कि मैंने करना है, तो एक समय ऐसा है कि उसको लगेगा कि मेरे को करना है, क्योंकि पीछे लगे नहीं, और उसको तो मालूम है कि स्कूल तो जाना पड़ेगा, और वो स्कूल चले जाएगा। मेरे एक मित्र थे, उनका बच्चा था, स्कूल नहीं जा रहा, बहुत पीछे लगना पड़ता है, 8 बजे की स्कूल है, 6:30 बजे से पीछे लगना पड़ता है, फिर कभी तैयार हो जाएगा 7:45 तक, वो ऑटो आएगा, ऑटो में बिठाना, ज़बरदस्ती स्कूल पहुँच जाएगा। मैंने बोला कुछ मत करो, देखेंगे क्या होता है। तो उनका फ़ोन आया दूसरे दिन, बोले स्कूल तो डूब गई, उठा ही नहीं हो। ठीक है, मैंने बोला दूसरे दिन उठा, मगर लेट हो गया, क्योंकि उसको हैबिट ही नहीं थी जल्दी तैयार होने की,
मैंने स्ट्रिक्टली बोला था माँ को उसके पीछे लगने का नहीं। तीसरे दिन उठा, बस बिल्कुल दौड़ धूप करके वो ऑटो तक पहुंच गया, तब तक ऑटो निकल गया। चौथे दिन वो जल्दी उठा खुद और चुपचाप चले गए, क्योंकि उसको ये मालूम पड़ा कि अभी मुझे कोई टोकने वाला नहीं है, मुझे ही करना पड़ेगा। तो उसको करने देना है, खुद करने देना है, सिर्फ अपन ने बातचीत करना है तो क्यों की बात करना है, क्यों, व्हाई, और उसको व्हाई का आंसर मिल जाएगा तो हाउ वो फाइंड करेगा। तो बच्चों को जिम्मेदार बनाओ। थैंक यू वेरी मच।